Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept elasticity of demand. क्या concept रहता है elasticity of demand का? जैसा कि previous lecture में हमने law of demand को discuss किया था और उसके basis पर हमने study किया था कि price और quantity demanded के बीच में एक inverse relation होता है. लेकिन अगर हम ये पता करना चाहें कि प्राइसेस में कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज हुआ या कोई भी चेंज हुआ और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते. इसको डिटरमाइन करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स. यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड के अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इस इंक्रीज या डिक्रीज के रिस्पॉन्स में कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा, क्या इंक्रीज होगा या कितने का डिक्रीमेंट होगा, इसको या इसके एक्सटेंट को मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं. या फिर हम डूले के वर्ड्स में, दिस इज वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट, तो इन्होंने भी इसको प्रॉपरली डिफाइन किया और इनके अकॉर्डिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसके खुद के प्राइस में चेंज की वजह से या फिर अदर गुड्स के प्राइस में चेंज की वजह से या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज की वजह से हम क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस के मेजर को डिटरमाइन करते हैं, तो हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पर मेजर करते हैं. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जो इस क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को प्रॉपरली मेजर करती है. तो इसका मतलब इफ देयर इज सम ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड ड्यू टू दिस परसेंटेज चेंज देयर इज some percentage change in the quantity demanded of a commodity, then the extent or the degree up to which this percentage change in quantity demanded is, it is measured by the elasticity of demand. क्योंकि हमने यहाँ पर तीन टाइप की डिमांड को डिस्कस किया है. एक होती है प्राइस डिमांड, एक होती है इनकम डिमांड और तीसरी होती है कॉस्ट डिमांड. तो इन तीन पर्टिकुलर डिमांड के बेसिस पर भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड वन इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्या मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि अगर हम किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कोई परसेंटेज चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज हुआ, उसको मेजर करने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं. इट मीन्स दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. तो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज को उस कमोडिटी के प्राइस के परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मिल जाती है. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल वे में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ईपी या फिर ईडी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको हमें ना, इट इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. अगर सिंबॉलिकली या मैथमेटिकल वे में इसके फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं, तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है आपका ईपी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू, जहां डिफरेंट, जहां P की अगर बात करें तो P इज नोन एज द इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Q इज नोन एज द इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, डेल्टा P इसका मतलब होता है P1 डिफरेंस P, यानी कि चेंज इन प्राइस. यानी कि जब हम न्यू प्राइस में से
इनिशियल प्राइस को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास मिलती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्राइस। ऐसे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्यू वन डिफरेंस क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड ऑफ द कमोडिटी। और यहां मैंने एक नेगेटिव साइन का यूज किया है, तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो जहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है वहां फॉर्मूले में नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यहां जो नोटेशन मैंने फॉलो की है इनको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। यहां मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जहां एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को कंसीडर किया है, ठीक है। डीडी इज द डिमांड कर्व इन दिस रेफरेंस। अब जो डीडी कर्व है उस डीडी कर्व के रेफरेंस में इनिशियल प्राइस मैंने मान के चला था, ओपी इज द इनिशियल प्राइस। तो इस ओपी प्राइस के रिलेशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज इक्वल टू ओक्यू। तो ओपी हो गया आपका इनिशियल प्राइस जिसे मैंने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है, ओपी वन हो गई न्यू प्राइस जिसे मैंने स्मॉल पी वन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ऐसे ही जब ओपी प्राइस पर क्वांटिटी ओक्यू है तो ये ओक्यू इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हो गई जिसे मैंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है इन द डायग्राम। और यहां जो नई क्वांटिटी डिमांडेड क्रिएट हुई दैट इज इक्वल टू ओक्यू वन, और इसे मैंने यहां पर स्मॉल क्यू वन से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से जो फॉर्मूला आपका ड्राइव होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रेफरेंस में दैट बिकम्स ईपी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्री और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितने टाइप की होती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहां पर इसके पांच टाइप्स डिस्कस किए हैं। कौन कौन से हैं पांच टाइप? द फर्स्ट वन इज नोन एज द परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड, सेकंड वन परफेक्टली प्राइस इनइलास्टिक डिमांड, थर्ड वन यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड, फोर्थ वन रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड, एंड द फिफ्थ वन इज द रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। किस तरह से डिफाइन करेंगे इन पर्टिकुलर टाइप्स को? लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन। The very first one is the perfectly price elastic demand. Perfectly price elastic demand क्या होता है? यहाँ पर जो ED की value है that is equal to infinity, यानी कि infinite value होती है इसकी। क्या situation होती है? Where the slightest rise in price causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero, यानी कि अगर कोई भी particular market में जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करता है और उसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है? इट बिकम्स जीरो, वो तुरंत जीरो की तरफ भाग जाएगी। तो हम इस सिचुएशन को परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड का नाम देते हैं। जैसे सपोज करिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जाती है तो उसमें जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है और जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अपने प्राइस को सेल कर रहे होते हैं। अब अगर कोई भी उनमें से एक भी प्रोड्यूसर अपने प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेगा तो उसके इंक्रीमेंट करने की वजह से जो उसके कंज्यूमर्स होंगे वो बाकी और प्रोड्यूसर्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है और होमोजेनियस प्रोडक्ट के केस में कोई भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जैसे ही राइज करेगा उसके कंज्यूमर्स दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ स्विच कर जाएंगे और उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी? इट बिकम्स जीरो। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज नोन एज द परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व को मैंने यहां पर डिफाइन करा है, ठीक है, जहां मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को कंसीडर किया है एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम इसके कर्व की बात करते हैं जब इन्फिनिटी की सिचुएशन होती है उस केस में जो कर्व है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां प्रोडक्ट के प्राइस दिए मैंने इक्वल टू रुपीज फोर पर यूनिट और उस रुपीज फोर पर यूनिट पर चाहे आप 10 यूनिट्स को सेल करो चाहे आप 30 यूनिट्स को सेल करो डिमांड जो रहती है वो चेंज होती रहती है लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। द सेकेंड वन इज द परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ ED इज इक्वल टू जीरो। ये सिचुएशन कब इनकर होती है या कब अकर होती है? जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में तो चेंज कर रहे हैं लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट इट इज अ सिचुएशन वेयर अ चेंज इन द प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो उस केस में जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
और परसेंटेज चेंज जीरो होने की वजह से जो ईडी की वैल्यू होगी इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो। तो जब ईडी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम इस सिचुएशन को परफेक्टली प्राइस इनलास्टिक डिमांड का नाम देते हैं। इस केस में जो कर्व होगा इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने यहां पर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया है। इन द कर्व आई हैव टेकन क्वांटिटी ऑन वाई एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस, तो द कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पर मैंने डिफरेंट प्राइसेस शो करे हैं, रुपीज 3 पर यूनिट तो भी डिमांड कितनी है 6 यूनिट्स की है, रुपीज 4 पर यूनिट तो भी डिमांड कितनी है 6 यूनिट्स की है, प्राइस बढ़कर 5 रुपीज 5 पर यूनिट हो गए लेकिन अब भी डिमांड कितनी है 6 यूनिट्स की है। तो प्राइस भले ही बढ़े या भले ही घटे लेकिन उसका क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो उस केस में परसेंटेज चेंज कितना होगा जीरो होगा और उसकी वजह से जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी आएगी जीरो होगी। तो हम इस सिचुएशन को नाम देंगे परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज नोन एज द यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्या सिचुएशन रहती है, यहां जो ईडी की वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू 1। इसका मतलब व्हेन वी आर मेकिंग सम ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ सेम परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना की परसेंटेज चेंज हमने प्राइस में किया उतना ही परसेंटेज चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी। और हम जब ईडी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो उस सिचुएशन को यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। कर्व कैसा होगा, इस केस में जो डीडी डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो डाउनवर्ड कर्व तो होगा ही होगा इसका ना, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो डिमांड कर्व का स्लोप 45 डिग्री पर रहेगा और इस तरह से हमें एक डिमांड कर्व डीडी मिल जाएगा जो ईडी इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसमें ना जब प्राइस ओपी है तब क्वांटिटी ओक्यू है, प्राइस ओपी से घटकर ओपी 1 रह गया और क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो गई। तो यहाँ जो चेंज मैंने दिखाया डिफरेंस पी और पी 1 का डिफरेंस है वो पी और क्यू 1 के डिफरेंस के इक्वल है। तो जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, तो हम सिचुएशन को नाम देते हैं यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड का। पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज फोर्थ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। पहले मैंने इन इलास्टिक डिमांड को डिस्कस किया, उसके बाद हम इलास्टिक डिमांड को डिस्कस करेंगे। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जहां ईडी की वैल्यू 1 से कम होती है। अब 1 से कम कब होगी, जब प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज कम हो। इट मींस दैट व्हेन देयर इज अ लार्ज परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हिच कॉजेस टू स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को और वाई पर प्राइसेस को शो करा है। जो डिमांड कर्व डीडी है इसका स्लोप क्या है, इट इज मोर देन 45 डिग्री, इसका स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन स्लोप इसका 90 डिग्री से कम होगा। तो जब डिमांड कर्व का स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो इस पर्टिकुलर टाइप के कर्व को हम रिलेटिवली प्राइस इनलास्टिक डिमांड कर्व का नाम देंगे, क्योंकि यहां पर ईडी की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। कैसे होगी ये समझ लीजिए इसको ना, व्हेन द प्राइस इज ओपी तो क्वांटिटी डिमांडेड है ओक्यू, प्राइस ओपी से घटकर ओपी 1 रह गए और क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो गई। अब ये प्राइस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको पीपी 1 के बराबर और क्वांटिटी का डिफरेंस दे रहा है क्यूक्यू 1 के बराबर, तो यहां जो प्राइस में परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा है लेकिन इसके कंपैरिजन में जो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज है वो क्या है कम है, तो डिफरेंस भी आपको कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो कर्व है इट विल बी इट इज रिप्रेजेंटिंग रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड सिचुएशन वेयर ईडी इज लेस देन 1, क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट वन एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज नोन एज द रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। ये सिचुएशन कब इनकर होगी ना, जब ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अच्छा ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, जब प्राइस में परसेंटेज चेंज कम हो और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो तो ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी कॉजेस टू लार्ज परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड का। तो यहां आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को। डीडी कर्व डाउनवर्ड सेम तो रहेगी इसकी लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो होगा लेस देन 45 डिग्री,
ठीक है, तो लेस देन 45 डिग्री इसका स्लोप रहेगा, और यहां जो ईडी की वैल्यू होगी वो मोर देन 1 के बराबर होगी। अब यहां पे स्टडी कर लेते हैं सिचुएशन को, जब प्राइस ओपी थे क्वांटिटी थी ओक्यू, प्राइस ओपी से घटकर ओपी वन रह गए, क्वांटिटी डिमांडेड ओके से बढ़कर ओपी वन हो गई। अब ये डिफरेंस चेक करिए, पी पी वन जो डिफरेंस है और क्यू की वन डिफरेंस है, तो प्राइस का ये जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी के डिफरेंस से कम है, या हम कह सकते हैं जो क्वांटिटी का डिफरेंस है वो प्राइस के डिफरेंस से ज्यादा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द सिचुएशन ईडी इज मोर देन वन, यानी कि इस सिचुएशन को हम नाम देंगे रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।